जी, ये मंदिर कितना पुराना है और कौन से देवता का मंदिर है? ये मंदिर जो है ये बाबा बिरफानाथ के नाम पे है। अच्छा, ये बाबा बिरफानाथ जी हैं जो जहाँ के उन्होंने अपने जिंदे श्वास जो है समाए थे यहाँ पे। जी, ये 16 साल पुरानी जो है ये जगह है। 16 साल पुरानी, 1600 साल पहले जी ये जगह जो है ये यहाँ जागृत की गई थी जी। ये बता रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पुराने, ये पहले जो जम्मू शहर था, जम्मू शहर नहीं था, इसी का नाम शहर था। अच्छा, यही शहर? हाँ, यही, इसी को शहर बोलते थे। अच्छा, मगर कुछ बात ऐसी हुई कि लंबी स्टोरी मैं नहीं जाना चाहता, जो हमने सुनी हुई है कि बाबा बिरफानाथ ने इस धरती को उल्टाया। अच्छा, जिसमें पशु अच्छे बुरे जो भी आदमी थे वो सब यहाँ धरती में उल्ट गए। अच्छा, और इस धरती पे जब अपने बाबा बिरफानाथ जी अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने उनको बुला के वहीं जाके आप बैठ जाओ, वहीं समा जाओ जी। ये है बाबा बिरफानाथ की कहानी, ज्यादा तो मैं नहीं जान। ये तो सामने मूर्ति लगी है, ये किन देवता जी की है? ये है बाबा बिरफानाथ जी। अच्छा, जो जहाँ बैठे थे, जो समाये थे। अच्छा, और इसी मंदिर के पीछे एक बहुत ही पुराना, बहुत ही पुराना जो है दरख्त है वो फलाई का। अच्छा, जो आज भी जो जीवित है जी। वो आज भी आप आके देख सकते हो जी। यहाँ दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, पंजाब से दुनिया आती है और अपनी मनोकामना ये लोग अपनी यहाँ मानते हैं और सभी दुनिया की जो मनोकामना है वो पूरी होती है। जी महाराज जी, ये बाबा बिरफानाथ जी गुरु गोरखनाथ जो है उन्हीं के समाधि में बैठे हुए गुरु गोरखनाथ की जो है ये मूर्ति है। ये सामने जो मूर्ति मंदिर में, ये उन्हीं मूर्तियों में से है। कोई बाबा बिरफानाथ है, कोई गुरु गोरखनाथ है, कोई उनके जो चेले हैं जो उन्हीं के साथ चलते थे। ये प्राचीन जो है ये बाबा बिरफानाथ की जो मूर्ति है वो आपके मंदिर के अंदर है, आप देख सकते हैं इसको। सबसे प्राचीन? हाँ, सबसे प्राचीन जो है ये मूर्ति बाबा बिरफानाथ की ये है। ये मां कलालन है जिनका जो है ये भिक्षा मांगने के लिए ये बाबा बिरफानाथ इनके पास आए थे। मां कलालन? हाँ, ये इनका नाम है मां कलालन जी। ये किसी को भिक्षा नहीं देती थी। अच्छा, इनकी आपस में कुछ तू मैं होने से। अच्छा, ये धरती जो है ये बाबा बिरफानाथ ने उल्टी। अच्छा, इन्हीं के नाम पे कलाली टिब्बा? हाँ, ये कलाली टिब्बा जो है इन्हीं के नाम पे जो है मशहूर है वो, जो यहाँ हर कृष्ण जन्माष्टमी में बाहर से लोग आते हैं। अच्छा, और जहाँ आके ठहरते हैं और जहाँ जगराते हो जो है श्रद्धालु बहुत मेहनत से यहाँ पहुँचते हैं, कोई पंजाब से, कोई बॉम्बे से, कोई कलकत्ता से। तो जहाँ के जो प्रधान हैं हमारे गांव खेपड़ के ही हैं हमारे। अच्छा, इस समय हम कलाली टिब्बा में, ये आपको 1600 साल पुराना ये बाबा बिरफानाथ जी का अति सुंदर मंदिर दिखा रहे हैं। ये रणबीर सिंहपुरा से आगे कुल्लिया पड़ता है, कुल्लिया से आगे अंदर जसोर की ओर आते और जसोर के अंदर कलाली टिब्बा में ये मंदिर पड़ता है। आप कभी भी दर्शनों को आ सकते हैं। हर साल यहाँ जन्माष्टमी पे बहुत बड़ा मेला लगता है और देश भर से यहाँ लोग आते हैं। ये कलाली टिब्बा का मंदिर है, बाबा बिरफानाथ जी का मंदिर, 1600 साल पुराना मंदिर। और देखिए कितना सुंदर मंदिर है, कि कितना भव्य मंदिर ये बनाया गया है कलाली टिब्बा पे जसोर में। ये कुल्लिया से आप अंदर आ सकते हैं और रणबीर सिंहपुरा आरसपुरा से ये मंदिर लगभग 3-4 किलोमीटर है कुल्लिया, और कुल्लिया से फिर आप 2-2.5 किलोमीटर अंदर आएंगे तो कलाली टिब्बा पे ये सुंदर सा मंदिर है बाबा बिरफानाथ का मंदिर। हजारों की संख्या